सीमेंट और राजस्थान फोरम की ओर से मैं आप सभी पधारे महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जो हमारी रेगुलर स्पीकर हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अपरा कुच्छल, आज वो नहीं है तो ये जिम्मेदारी मेरे को दी गई है। हालांकि मैं बैक बेंच पे बैठने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप सब लोगों को मालूम ही है कि राजस्थान फोरम राजस्थान के विभिन्न विधाओं की जो हस्तियां हैं उनका एक संगठन है। इसमें संगीत भी है, नृत्य भी है, नाटक भी है, साहित्य भी है, चित्रकला भी है, मूर्तिकला भी है, स्पोर्ट्स भी है, स्पोर्ट्स को भी हमने इसमें शामिल किया है। तो इन सभी विधाओं की जो हस्तियां हैं उनका 31 जनों का ये एक संगठन है। 2012 में ये श्री सीमेंट के सहयोग से संदीप भुतोड़िया जी ने इसकी शुरुआत की थी और इसकी शुरुआत करके इसके गठन की जिम्मेदारी उन्होंने मेरे को सौंपी। और हमने सबसे पहले पंडित विश्वमोहन जी को इसका सभापति बनाया और फिर उनके मार्गदर्शन में हमने इस राजस्थान फोरम का गठन किया। शुरू में इसमें 11 मेंबर थे जो कि बढ़ते बढ़ते 30 तक पहुंच गए और इसमें 10 तो पद्मश्री हैं और 2 पद्म भूषण, एक तो आप पंडित विश्वमोहन जी हैं, एक पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया वो भी इसके मेंबर हैं, शूटर अपूर्वी चंदेला भी इसकी मेंबर हैं और जो बाकी 20 लोग हैं वो भी ऐसे हैं कि जिन्हें कभी भी पद्मश्री पद्म भूषण दिया जा सकता है। अपनी अपनी कला के निष्णात विद्वान लोग हैं जो कि, और हम बड़े, मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि इन सबको एक माला में पिरोने का काम मेरे को मिला और इन सभी लोगों का बहुत सहयोग रहता है। आज हमारे बीच में हमारे मौजूद हैं हमारे सभापति पंडित विश्वमोहन भट्ट साहब, पद्मश्री शाकिर अली साहब, पद्मश्री रामकिशोर छीपा जी, जाने माने साहित्यकार नंद भारद्वाज जी, हमारे राजस्थान की आन बान और शान एक राम राजस्थान, हमारे गंगा जमनी तहजीब के सबसे बड़े प्रतीक हैं राजस्थान में एक राम साहब, हमारे साथ हमारे संजय कौशिक जी जो कि फूड और ट्रेवल एक्सपर्ट है ट्रेवलिंग के, विद्यासागर उपाध्याय जी के नाम का तो कोई परिचय का मोहताज ही नहीं है, आप राजस्थान के अमूर्त कला के सबसे बड़े हस्ताक्षर हैं राजस्थान में, डॉक्टर सालेह गाजी जो कि एंकर भी हैं, रनकर भी हैं और बहुत सारे कल्चरल कॉजेज से आप जुड़ी हुई हैं, आप भी हमारे मेंबर हैं। पीछे बैठी हैं डॉक्टर मधुभर तैलंग जो कि ध्रुपद की सबसे बड़ा एक नाम है राजस्थान में, एकमात्र नाम है ध्रुपद में अगर कोई तो वो है डॉक्टर मधुभर तैलंग। तो ऐसे लोगों का है ये संगठन और सब लोग यहाँ हर प्रोग्राम में आते हैं और अपने जितने भी हमारे 30 में से हमेशा 5-7 मेंबर इस प्रोग्राम में आते हैं और जब एक मीटिंग होती है तो 30 लोगों का संगम होता है वहाँ पर। तो वो एक बड़ा अद्भुत दृश्य होता है। हमारी 2 सीरीज शुरू से चल रही है जब से हमने इसकी स्थापना की है राजस्थान फोरम की, डेजर्ट सोल्स और डेजर्ट स्टॉर्म। डेजर्ट सोल्स में तो वो लोग हैं जिन्होंने कि अपने प्रदेश में ही रहकर बड़ा नेशनल इंटरनेशनल का काम किया है, बड़े मनीषी हैं अपनी विधाओं के, उनको हम डेजर्ट सोल्स में बुलाते हैं और उनके कृतित्व पर हम बातचीत करते हैं। एक है हमारी डेजर्ट स्टॉर्म, तो उनमें वो लोग हैं कि जो कि राजस्थान के हैं, जयपुर के, राजस्थान के किसी भी जगह के और बाहर चले गए और बाहर जाके उन्होंने बड़ा नाम किया है, तो उसमें हम लोग डेजर्ट स्टॉर्म में लोगों को बुलाते हैं। डेजर्ट स्टॉर्म में अभी तक हमने केसी बुकड़िया साहब को बुलाया, हमने साक्षी तंवर को बुलाया, हमने पद्मश्री सुधीर तैलंग अब जो नहीं है उनको भी हमने बुलाया था और भी बहुत से, डॉक्टर समीन शर्मा जिन्होंने की EHCC की स्थापना की है उनको भी हमने बुलाया था और आज हमने निवेदन किया है हमारे जयपुर के अपने जन जन के प्रिय जो रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं और फिल्म से भी उतना ही जुड़े हुए हैं जितना कि रंगमंच से जुड़े हुए हैं, रवि झाकल साहब कामना के लिए जोड़ा था। रवि झाकल साहब का परिचय कोई देना, क्योंकि इन्होंने कम से कम 70-80 फिल्मों तो मेरे ख्याल से काम कर ही लिया होगा, एक फिल्म का जाना पहचाना नाम है और थिएटर में भी आपने बहुत काम किया है, आपकी धर्मपत्नी अनीता अरोड़िया कथक नृत्य में बड़ा नाम है, इनकी बेटी धानी
वो भी अब नृत्य और अभिनय दोनों में अपने पैर जमा रही है। तो मैं सालिया गाजी साहब से निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पधारें और रवि झांकल साहब के साथ इंटरेक्शन करें। उससे पहले मैं पंडित विश्वमोहन जी से अनुरोध करूंगा कि आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द कहें। सभी को मेरा सादर अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम। फिर एक बार हम लोग मिल रहे हैं, बड़ी खुशी है। जैसा कि सर्वेश जी ने कहा कि हमारे इस फोरम में एक से एक बढ़ के हीरे हैं, सारे हीरे मौजूद हैं। और बड़ा फख्र होता है कि ये जो राजस्थान फोरम है, इसकी एक्टिविटीज़ को बड़ी अच्छी तरह से संभाल रहे हैं सर्वेश जी और सभी जो लोग हैं जिन्होंने इसमें सहयोग किया। मुझे ये सम्मान दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज रवि झांकल साहब हमारे बीच में आए हैं। कितने वर्षों से इनका नाम थिएटर से जुड़ा हुआ है, जयपुर के नाम, आपका जो जयपुर में नाम है सब जानते हैं, और फिल्म में भी आपने रोल किए। एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक, अगर आपको याद हो तो एक पिक्चर थी बवंडर, जो हमारे जयपुर के ही जगमोहन मुंदड़ा जी ने बनाई थी, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने किया था। तो वो फिल्म को मुझे कम से कम नहीं तो 10 बार देखना पड़ा था, क्योंकि कैसा म्यूज़िक कंपोज करना है, बैकग्राउंड में क्या इफ़ेक्ट डालनी है, उसके लिए मैं एक एक सीन को 10-10 बार देखता था। और आपका जब सीन आता था, देखिए एक रोल करने वाले एक्टर में क्या खूबी होनी चाहिए कि अगर वो खलनायक का काम कर रहा है तो उसके चेहरे से ही आपको नफरत हो जाए। तो वो 10 बार देखा मैंने और आपसे इतनी नफरत हो गई मुझे। तो उस बात पे उनको एक जोरदार ताली दीजिए कि उन्होंने इतना सशक्त रोल किया और वो इतना बुरा रोल था कि इनकी शक्ल देख के लग रहा था कि बिल्कुल बहुत आनंद से कर रहे हैं, इनको बड़ा मज़ा आ रहा है, ऐसा चैलेंज मिला। वरना सिंपैथेटिक रोल सबको मिलते हैं, अच्छे अच्छे आदर्शवादी सब बनना चाहते हैं कि मेरी इमेज बड़ी अच्छी बने, बस ऐसा ही रोल मिले मेरे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेयरिंग होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये चैलेंज मैं लूँगा, अगर लोग मुझसे नफरत करेंगे तो कोई बात नहीं, करने दो। ये भी एक रोल की सफलता का एक वो साधन है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। रवि जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आप मुंबई से यहाँ पे पधारे और आज आपके आपकी मिट्टी में ही यहाँ पर आप यहाँ पे हैं। तो पधारो मारे। इससे पहले कि कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो, मैं एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे बीच में मौजूद है, उनकी उपस्थिति को भी मैं रेखांकित करना चाहूँगा। उदयवीर जी, उदयवीर जी हैं ये, आप भारतीय सेना के जवान हैं और संघर्ष में आपने अपने दोनों पैर खो दिए थे और अब आजकल ये फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं और इनकी एक फिल्म को अवार्ड भी मिल चुका है और बड़े संघर्षशील व्यक्ति हैं। तो आज हम इनकी भी उपस्थिति को रेखांकित करते हैं जी। और सालिया जी, इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करें, मैं राजस्थान फोरम के एंथम चलाने के लिए अनुरोध करता हूँ। मोतीराम
इस एंथम की परिकल्पना राजस्थान फोरम के फाउंडर संदीप भुजोड़िया जी ने की थी, और ये जो संगीत निर्देशन है, जो ये गीत आप देख रहे हैं, ये पंडित विष्णुमोहन भट्ट जी के निर्देशन में तैयार हुआ। और लोग इसको मेरे से कहते हैं कि ये राजस्थान का है, तो मैं कहता हूँ ये राजस्थान नहीं है, ये राजस्थान फोरम है। इसमें जो चेहरे दिख रहे हैं ये सारे फोरम के सदस्य हैं। कई लोग मेरे से ऑब्जेक्शन करते हैं कि साहब ये तो राजस्थान नहीं है, तो मैंने कहा ये राजस्थान हम नहीं कहते हैं इसको, हम राजस्थान फोरम कहते हैं। तो ये इस तरह का है ये, और इसके लिए हम हमारे वेन्यू पार्टनर है ITC राजपूताना शेरेटन, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूँगा कि इतनी खूबसूरती से और इतनी व्यवस्था से वो हमको ये हमेशा जगह उपलब्ध करवाते हैं। आइए सर जी, पधारिए। चेयरमैन साहब और आप तमाम मेरे वरिष्ठगण, सभी अनुभवी और एस्टीम्ड ऑडियंस, एक बार पूरा मजमा हमें इजाजत दे दे तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। और बातचीत के सिलसिले से पहले आइए हम देखते हैं आज इस खास मेहमान की एक शोरी, और उसी के बाद इस सिलसिले को हम जारी रखें। रवि छागर एक जबरदस्त अभिनेता, अम्म रणभूमि में वार करते हुए शाहबुद्दीन और एक शत्रु की आंख के आगे चक्कर वार करना हमारे आकार का कहलाती है, और हम कायरता से सख्त नफरत करते हैं, समझे? नए युग का चलन देखकर हमारे महाराज चुनाव लड़ने को भी तैयार हो गए, लेकिन दूसरे रजवाड़े के लोग ऐसे आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे। हमारे महाराज को यूनियन सरकार के खिलाफ साजिश में फंसाने की पूरी कोशिश की गई, सब कुछ बहुत ही तरकीब के साथ किया गया। जंगल के बीचों बीच शिकार और मजरे का आयोजन किया गया। रवि ठाकल का जन्म पुरानी बस्ती जयपुर के एक साधारण परिवार में हुआ। रवि ठाकल की एक्टिंग का राज है बचपन से उनका क्लोज ऑब्जर्वेशन। क्या कहा बहन जी ने? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बताऊं लक्ष्मी, अब तो बैल जी ने भी जवाब दे दिया। रवि झांकल की एक्टिंग का सफर तब शुरू हुआ जब नटखट रवि झांकल ने तरह तरह के लोगों को देखकर मोनो एक्टिंग करनी शुरू की। रवि झांकल तब नौवीं कक्षा में रहे होंगे जब उन्होंने इस मोनो एक्टिंग से तारीफ बटोरी। अब चाहो तो झाड़फूंक भी करवा। झाड़फूंक करो, चल चल तक पूजो। साथ साथ ही उनके पहले छोड़ी चली गई। अब कुछ भी हो जाए तो। इसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी के दौरान रवि झांकल के अभिनय के इस जज्बे को मशहूर रणकर्मी और उनके एक्टिंग गुरु भानु भारती ने पहचाना और उन्हें एक्टिंग में ही अपना करियर बनाने की सलाह दी। अभिनय के प्रति ये ललक रवि झांकल को देश के सबसे प्रतिष्ठित ड्रामा स्कूल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ले गई, जहां उन्होंने मशहूर रणकर्मी बीबी कारंत की निगरानी में अपने अभिनय को निखारा। सूरज उग्यो, रात रली, लोग आप आपका दरबार में पड़ गया, आखी नगरी माथे कालो पड़दो कर गयो। अरे काहे था कतरा पखत बीत गया, न कितना तारा झड़ गया, न कितना सपना बदल गया। सूरज उग्यो, रात रली, लोग आप आपका दरबार में पड़ गया, आखी नगरी माथे कालो पड़दो कर गयो।
अरे कहीं था कतरा बखत बीत गया, न कितना तारा झड़ गया, न कितना सपना पलकारी कर गया, मैं रुड़ गया। अरे समरु जाट तू काय करेला कठे जावेला, लड़ाई तो खत्म है की उड़ा फदरा नारा जय जय काक बू गया पाकती पाकती अठे उठे सगड़े काल सगड़े दाग। समरु जाट तू लड़ाई में लड़िया, अरे पर तू नहीं जाने तू किंडर वास्ते किंडर खिलाफ लड़िया, थारा हाथ हड़ी लूट मत मैं चाहे जो था दी तो रोक बंदूक ओ गांव माचो रोड़ो माचो अंधो रापड़ियो और फिर ओम शांति शांति बेशक लोग किरदार देखकर ही हो जाते हैं मुरीद, लोग किरदार देखकर ही हो जाते हैं मुरीद, क्योंकि हम कह सकते हैं कि हम जबरदस्ती दिलों पर कब्जा नहीं करते। कुछ ऐसी ही आपकी शख्सियत है और आपने देखा है इन्हें फिल्मों में, टेलीविजन सीरियल्स में, टेलीविजन के शुरुआती दौर से लेकर सुनहरे दौर तक और इसके अलावा फिल्मों में। लेकिन अपने ही शहर का शख्स जिसने तकरीबन 80 फिल्मों में काम किया और 100 से ज़्यादा सीरियल्स के 5000 से ज़्यादा एपिसोड्स किए, शोहरत दूर दूर तक पहुंची, लेकिन वो दिन भी देखा जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इंडिया का जो प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है उस पे एडमिशन के लिए 1000 रुपये की दरकार थी तो आपके पिताजी ने साफ गोई से इसे हर सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अगर वहाँ पढ़ोगे तो क्या बनोगे, यकीनन एक दिन तुम कहीं ट्रेन में डफली बजाओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। और क्या कुछ आपने हासिल किया है आप सब जानते ही हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत, आपका अपना शहर है, अपने लोग हैं और वो लोग जिन्होंने आपको एक तरीके से तराशा भी है, बहुत से ऐसे लोग भी यहाँ मौजूद हैं। तो आपकी नज़र, आपका अंदाज, आपका अपना शहर, आपके अपने लोग कैसे शुरुआती दिनों की यादों को ताज़ा करना चाहेंगे? चले सबसे पहले तो मैं बड़ा खुशनसीब अपने आप को मान रहा हूँ, मैंने दर्जनों सैकड़ों गैदरिंग अटेंड की हैं और एक से एक बड़े महारथियों के साथ हम लोग बैठे हैं मुंबई में और मैं जाने कहाँ कहाँ दिल्ली में, लेकिन इतने अलग अलग विधाओं के गुणी लोगों के साथ मैं पहली बार बैठ रहा हूँ और मैं सच कहता हूँ मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ। सर्वेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस इतनी अच्छी गैदरिंग के लिए, मुझे बनाने के लिए, और अपनी मैं क्या कहूँ, आपने सही कहा जब जाने की नौबत आई तो वाकई 1400 रुपये की ज़रूरत थी और 1000 रुपये भी नहीं मिल पाए थे, लेकिन वो भी अपने आप एक स्ट्रगल था कैसे करके। और जब पिताजी ने मुझे कहा कि जाओगे तो तुम ढपली बजाओगे तो उनकी बात को मैंने बहुत पॉजिटिव लिया और मैंने कहा कि इनके इस मिथ को मुझे तोड़ना है। और आप मानेंगे नहीं, जब मेरा एडमिशन हुआ तो मुझे स्कॉलरशिप यहीं की मिली थी स्टेट की, लेकिन वो स्कॉलरशिप आती थी 4 महीने बाद और जेब में हमारे 1400 रुपये भी देने को नहीं थे, कैसे करके 1400 रुपये जमा कराए। उसके बाद मेरे पास 300 रुपये थे तो मैं अपनी सिस्टर के यहाँ रहता था खारी बावड़ी में अपने फाउंटेन के पास में, तो मैं वहाँ से 4 किलोमीटर रोज़ पैदल एनएसडी जाता था, 7 बजे क्लास होती थी हमारी। और कारण तो उस वक्त पहली बार कारण साहब ने ज्वाइन किया था, मतलब हम कारण साहब की का प्रोडक्ट हैं कह सकते हैं, तीनों साल वही थे हमारे साथ। तो 7 बजे अगर आप वहाँ नहीं पहुँचे तो आप क्लास में नहीं बैठ सकते और आपकी एब्सेंट लग जाती थी। तो वो जो 3 महीने मैंने 200 रुपये में निकाले वो वक्त मुझे याद रहा। और जब मैं 6 महीने बाद पहली बार अपने घर आया तो मैं अपने पिताजी के लिए एक अच्छी सी शॉल आया, उनको एक कौन सी उस वक्त धोती आया करती थी वो उनको बड़ी पसंद थी तो वो ले नहीं पाए थे, तो 2 धोती मैं उनके लिए लेके आया और मलमल का कुर्ता उनको बड़ा पसंद था मलमल का कुर्ता भी उनके लिए लाया। और अब वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उन्होंने अपनी ये बात बदली और उन्होंने कहा नहीं मैं गलत था, ये लड़का मेरा बड़ा होनहार है और इसने अपना जीवन अपने आप बनाया है।
बखूबी आपने उस मिथ को तोड़ा, लेकिन कहते हैं कि अगर हम बहुत ही शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं या उसकी तलब करते हैं तो शायद पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स जुट जाता है हमें वो चीज देने के लिए। तो कहीं आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल वैसा ही था। बिल्कुल, एक तो फोकस बहुत जबरदस्त था, क्योंकि ये लगता था कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं क्या करूँगा, ये बड़ी दिक्कत थी। और नौकरी करनी नहीं थी, जब नौकरी की ज़रूरत थी तब नौकरी मिली नहीं, और जब नौकरी मिली तो उसकी ज़रूरत महसूस नहीं, तब ये हुआ नहीं नौकरी नहीं करनी, हमको यही काम करना है। जेब में नहीं, 2 रुपये भी नहीं हुआ करते सर, 2 रुपये तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं राजस्थान कॉलेज में पढ़ता था, कई बार पैदल जाता था पुरानी बस्ती से, तो ऐसी स्थिति थी, लेकिन पैशन बहुत ज़बरदस्त था। और गुणी लोगों का साथ मिला, वासुदेव भट्ट जी के परिवार का साथ मिला, फिर उसके बाद भानु जी जैसे इतने मतलब NSG के गोल्ड मेडलिस्ट थे, उन्होंने हमको परखा, उन्होंने हमको गाइड किया कि ये जो है तुम इसको ये मत सोचो कि ये ऐसे ही कर ले आपने। एक्टिंग का सीन है, या आपने अभी हमने आपके शो रील में देखा कि इसका बीजारोपण शायद अपने आसपास के कैरेक्टर्स को देख के, जो आपका क्लोज ऑब्जर्वेशन है, तो क्या वही आपकी एक्टिंग की बुनियाद रही? मेरे को एक्चुअली, मैं बहुत, जब मैंने स्टार्ट किया तो मोनो एक्टिंग करता था बहुत, किसी को भी देख लिया तो उसकी शुरू कर देता था। तो मैंने जब ये शुरू किया तो मैं एक पुलिस वाला किसी उससे ब्राइब ले रहा था, किसी खोमचे वाले से, तो खड़ा होकर उसको देख रहा था, तो मैंने उसको पूरा ऑब्जर्व करके, और हमारे यहाँ कंपटीशन हुआ करता था कॉलेजेस का, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, तो मैंने उसको उस वहाँ पे उसको कर दी, परफॉर्मेंस कर दी 1-10 मिनट की बना करके, और वो इतनी पॉपुलर हुई कि उस वक्त के पुलिस वाले मुझे पहचानने लगे और मुझे रोक रोक के पूछते थे तुमने क्या करता है तुम वहाँ पे, बहुत घबराहट होती थी, मुझे पकड़ के बंद ना करते। तो जी, पैशन बहुत ज़बरदस्त था, और मतलब हर तरह का काम कैसे कर सकते हैं ये करने की बड़ी ललक थी, लेकिन मैं ये कर लूँगा और मैं ऐसी स्टेज पे आ जाऊँगा इसकी मैंने कल्पना नहीं की थी, मैं आपको सच बताता हूँ। तो यानी आपकी जो ये जर्नी रही है 36 ईयर्स की जर्नी है, 86 में आपने ये अभिनय की शुरुआत की थी और जो अब तक बदस्तूर जारी है। की तो मैंने जल्दी थी उससे और पहले, 84 में हम लोग मुंबई चले गए थे, मैं यहाँ से NSD से फिर रेपेट्री में रहा 2-3 साल, उसके बाद मैं फिर मुंबई चला गया, क्योंकि जब हम दिल्ली में थे तो नेशनल स्कूल ड्रामा के रेपेट्री में काम करते थे, तो वहाँ जॉब थी वहाँ पर ना, 600-800 रुपये महीने आपको मिलता था, तो मेरी सिर्फ इच्छा यही थी कि मुझे उस रेपेट्री में काम करना है और शादी करनी और अच्छा जीवन जीना है, इतनी इच्छा थी। लेकिन जब मैंने दोबारा अप्लाई किया, नाइन्थ क्लास से जो तालियों की लत और दांत बटोरने की लत लगी तो वो अभी तक जारी है। हाँ नहीं, वो तो खैर उस तरह की चीज़ें तो जारी रहती हैं अपने साथ। और निकलने के बाद जब हम वहाँ चले गए और वहाँ से मुंबई चले गए, तो वो जर्नी भी आसान नहीं थी, क्योंकि मुंबई में सबसे पहली दिक्कत जो होती है वो घर की होती है, रहने की सबसे बड़ी दिक्कत है। तो मुझे आज भी याद आता है, 10x12 का घर था, जब हम सोते थे तो ऐसे सो जाते थे, और जब उठते थे तो सीधे उठते थे, और गैस एक चूल्हे की वो थी, उसको चला के उस पर चाय बनाया करते थे, मतलब इतनी जगह थी, आप सो जाओ उठ जाओ। और 4 साल मैंने, 5 साल ऐसी जगह हम रहे, और क्योंकि उस वक्त मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी, तो वो जर्नी इतनी मुश्किल नहीं लगी। ये मेरा मानना है कि अगर कोई आपके साथ होता है, क्रिएटिविटी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आदमी एलिनेशन में जब रहता है, अकेला रहता है, तो बड़ी दिक्कत उसको महसूस होती है, लेकिन अगर कोई आपके साथ तो मुझे लगता है ये सफ़र इतना डिफिकल्ट नहीं होता। आपने अभी जिक्र किया अपनी पत्नी का, और आप सभी को मालूम है कि आपकी जीवन संगिनी भी कथक सम्राट बिरजू महाराज की सुशिष्या है और खुद एक सशक्त हस्ताक्षर है कथक के क्षेत्र में, श्रीमती अनीता ओरडिया जी। यंग टैलेंट्स को आप ग्रूम कर रहे हैं, तराश रहे हैं, अपना इंस्टीट्यूट यहाँ जयपुर में रन करती है। तो बहरहाल आपकी प्रोफेशनल जर्नी पे भी बात करेंगे, लेकिन जिक्र जब आपकी वाइफ का हुआ है तो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जब दो कलाकारों का बंधन होता है तो कैसा होता है जीवन? जीवन आसान होता है, क्योंकि उस वक्त बहुत यंग थे, छोटे भी थे, और ज़रूरत बहुत बहुत कम हुआ करती थी। अगर
4000 रुपये भी किसी महीने में कमा लिया तो ऐसा लगता था कि अभी 2-3 महीने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी लिमिटेड वो आवश्यकताएँ थी। और आर्टिस्ट का ये होता है कि एक्टर, मुझे लगता है थिएटर का एक्टर जो अपने आप को ऐसे फैला भी लेता है और समेट भी बहुत जल्दी लेता है। अगर उसके पास बहुत कुछ है तो वो ऐसे फैल भी जाएगा, और उसके पास अगर कम है तो अपने आप को बहुत आसानी से समेट लेता है। तो वही हमारा हाल था। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है जब दो कलाकारों का मिलन होता है तो कहीं लय ताल गड़बड़ाती है, या वो कहीं आपके ड्रामा को लेकर कुछ तंज करती है, या आप उनकी कला को लेकर, या कुछ कैसे सितम ढाती है वो आप पर? नहीं, सितम तो वो सितम तो वो आप ढाती है, पहले तो नहीं ढाती थी, क्योंकि पहले तो हम एक दूसरे की जरूरत थे। उस वक्त तो ऐसा था कि क्योंकि वो भी भाई कथक केंद्र में सीख रही थी और मैं भी वहीं पढ़ता था, तो क्योंकि हर चीज़ साथ में देखी जाती थी। नृत्य देखना होता था साथ में देखते, थिएटर देखना होता था, कोई म्यूजिकल इवनिंग। मैं आपको बताता हूँ, भाई साहब बैठे हैं भट्टी, हमने अपने 3 साल में, आप नाम लीजिए उस वक्त का, उन परफॉर्मर्स की हमने दर्जनों बार परफॉर्मेंस देखी है। शाम का 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक का यही काम होता था, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। मुझे लगता है कि वो जो वक्त था उसको देखना, लोग कहते हैं कि जब तक आप किसी चीज़ को देखेंगे नहीं तो आप ग्रो नहीं कर सकते। तो हमने वो सब देखा जो यहाँ हम नहीं देख पाए थे, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ उस वक्त। और पत्नी तो थी उस वक्त, और ऐसा आलम भी था सालिया की, जब 9-9 महीने काम नहीं हुआ करता था। एक बार 9 महीने मेरे पास, मतलब मैंने कैमरे का वो नहीं देखा था, मुँह नहीं देखा था, लेकिन क्योंकि मेरी वाइफ उस वक्त वहाँ थी और वो बच्चों को पढ़ाती थी, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट था, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई, मतलब कहीं ना कहीं से फाइनेंस आता रहता था, तो दिक्कत नहीं होती थी उस तरह की। वही दौर अभी जब कोविड हुआ, तो हमारा सबसे ज़्यादा कोविड में नुकसान हम आर्टिस्टों का हुआ है, क्योंकि हम जो एक्टर्स हैं जो शूटिंग करते हैं, क्योंकि हम जब तक 100 लोग 200 लोग इकट्ठे नहीं हो तो शूटिंग होती नहीं, और आप जानते हैं 2 लोगों को भी इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल होता था। तो वो जो दौर था, वो दौर उस वक्त देखा था, ये दौर मैंने अभी देखा। बात आपने NSD की और आपने कहा कि आपकी वाइफ की मुलाकात आपसे NSD में ही पढ़ाई के दौरान की हुई थी, तो कैसा था आपका शुरुआती दौर और पहला कमर्शियल ब्रेक आपको कब मिला? शुरुआती दौर तो अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे दिल्ली में जब कोई नौकरी नहीं मिली तो ये हुआ कि भाई अगर आपको फ्रीलांसिंग करना है तो आप किसी बड़े फील्ड में एक बार ट्राई करके देखें। तो मैंने ये तय किया था कि अगर 5 साल तक मुंबई में मेरा घर नहीं हुआ तो मैं अपने शहर जयपुर आ जाऊँगा, यहाँ पे कोई नौकरी तलाश करूँगा। NSD का ग्रेजुएट था, कोई ना कोई नौकरी मुझे मिल जाती और यहाँ आकर के अपना एक जो एक सिंपल लाइफ हो सकती है कलाकार की, वो जीवन जीऊँगा। लेकिन गॉड काफ़ी वो थे, उन्होंने मेरी बात सुनी और 88 में मुझे घर दिलवा दिया। उसके बाद समस्याएं बहुत छोटी होगी, क्योंकि शहर के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत अगर है तो वो घर की होती है। अगर आदमी के पास मकान हो, रहने के लिए जगह हो, तो वो अंदर क्या खाता है क्या नहीं करता है उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होती। मुझे लगता है वो एक दौर था उस वक्त जब वो सारे काम हुए, तो उसमें पत्नी का बड़ा सहयोग रहा। और वो होने के बाद जब पहली बार, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त हम जब गए थे तब हमारे जैसे जो थिएटर के लोग हैं उनको बहुत तवज्जो मिलती थी, तो उस वक्त मैंने एक गोविंद नैनानी साहब के साथ एक फिल्म की थी आघात, तो उस वक्त सब लोग सबकी फिल्में देखते थे। जैसे हमारे जयपुर थिएटर में जब भट्टी किया करते थे तो हर एक्टर दूसरे का काम देखता था, ऐसे उस वक्त हर सिनेमा मेकर जो आर्ट सिनेमा मेकर जिसको कहते हैं वो सबको बुला करके अपना काम दिखाया करता था। तो श्याम बेनेगल साहब ने मेरी फिल्म देखी, उन्होंने मेरी फिल्म देख करके उन्होंने कहा कि लड़का अच्छा है इसको भेजो। तो सत्यदेव दुबे ने मुझे कहा कि जाओ, तेरे को याद किया उन्होंने, और उन्होंने मुझे 85 में अपनी फिल्म में काम दिया। और मैं आप सबको बहुत गर्व से बताना चाहता हूँ कि 85 से लेकर के 2014 तक श्याम बेनेगल ने जो कुछ भी बनाया, जो कुछ भी, डॉक्यूमेंट्री, एड फिल्म, टेलीविजन फिल्म, फिल्में, जितना भी उन्होंने बनाया, मैं हर उनके प्रोजेक्ट का पार्ट रहा हूँ। मैं एकमात्र एक्टर हूँ हिंदुस्तान में जिन्होंने कंसिस्टेंटली उनके साथ काम किया। आपको ऐसे लेजेंड्स के साथ काम करने का मौका मिला, और इसके अलावा भी बहुत ही आपने बहुत नामी गिरामी जो डायरेक्टर्स थे उनके साथ काम करने का मौका मिला,
ऐसा क्यों होता है कि थिएटर हमें सब कुछ सिखाता है, देता है, और फिर जो है रुझान सिनेमा और फिल्मों की तरफ बढ़ता चला जाता है? नहीं, सर, सबसे बड़ी दिक्कत फाइनेंसिस की होती है। देखिए, ये तो माना हुआ सच है, इसमें कोई दोहराए नहीं। जहाँ तक मैं देखता हूँ, जो एमेच्योर थिएटर अगर हम कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति कहीं जॉब कर रहा होता है या उसकी कोई अपना अपना कारोबार होता है, तब वो आकर के शाम को टाइम डिवोट कर पाता है। अदरवाइज सिर्फ थिएटर पे सर्वाइव करना मुझे नहीं लगता किसी के लिए पॉसिबल है। इवन यहाँ तो बहुत ही मुश्किल है, मुंबई में तो फिर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह का कमर्शियल थिएटर वहाँ पर होता है, लेकिन थिएटर से आप सर्वाइव करें मुझे नहीं लगता है कोई आसान काम। आपको कहीं ना कहीं कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा, उसके अलावा हो नहीं पाता है। तो हमें भी कोई उस तरह का थिएटर तो हम कर आज भी हम करते हैं थिएटर, लेकिन थिएटर में हमको मतलब हम कहें कि आपको इतना पैसा मिलता होगा। मैं आपको बताता हूँ, एला के साथ मैंने जब से मैं गया हूँ तब से मैं उसके साथ थिएटर करता आया हूँ, कभी हमने पूछा ही नहीं कि हमको कितने पैसे मिलेंगे। और आज से 6 या 7 साल पहले एला ने एक मरीचिका के नाम से नाटक किया था, तब उस एला अरुण ने मुझे उस नाटक में कह के 10,000 रुपये दिए थे। तो नाटक में सबसे बड़ा अमाउंट मेरे लिए 10,000 रुपये था, जो मुझे 7-8 साल पहले एला ने दिया था। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नाटक में अमूमन नाटक जो है वो किसी भी अदाकार के लिए वो स्वांत सुखाए अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करता है, और बाकी उसे अपना कमर्शियल प्रोजेक्ट्स देखने होते। सेम हम ऐसा देखते हैं कि आज की जो जनरेशन है उसमें एक्टिंग को लेकर बहुत चार्म है, ग्लैमर है, लेकिन वो थिएटर फॉर अ टाइम भी इंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद में उनका रुझान दोबारा कुछ सीरियल्स की तरफ या फिल्मों की तरफ हो जाता है। तो हम अपनी बुनियाद को नहीं बनाकर रख पाते। नहीं, एक्चुअली मुझे लगता कोई इसमें बुराई नहीं है, होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप जिंदा रहेंगे तो तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। अगर नाटक करके आप जिंदा नहीं रह पाएंगे तो ऐसे नाटक करने का मतलब क्या होगा? जब तक आप किसी चीज़ को लेके सर्वाइव ना करें, नाटक अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको बताता हूँ, हम बॉम्बे में नाटक करते हैं, हम जानते हैं हम कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे नाटक में 6 बजे से लेके 10 बजे तक होना ही होना है अगर मुझे नाटक करना है तो। और इस तरह का सिनेमा में नहीं, सिनेमा में कोई आदमी मुझे कह देगा अच्छा ठीक है मैं तुमको 6 बजे छोड़ दिया करूँगा, वह जब मुझे 2-3 बार छोड़ देगा, चौथी बार अगर कैसे छोड़ दूँ यार, फला फला की डेटें हैं, इनको जाना है, नहीं आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो सिनेमा अपने आप में, सिनेमा का कोई टाइम नहीं। आज का जो वक्त है, आज जिस तरह से सिनेमा बनते हैं, टेलीविज़न बनता है, तो उसमें टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नाटक में टाइम का, नाटक कमिटमेंट मांगता है, आज भी नाटक कमिटमेंट मांगता है। अगर मैं ना कोई नाटक करना चाहता हूँ तो मुझे वो सामने वाला कहता है कम से कम मुझे आपका 1.5 महीना चाहिए। 1.5 महीने का मतलब ये है कि मेरे को 1.5 महीने काम नहीं करना चाहिए, मैं इसको बिलीव करता हूँ। तो आप अगर ऐसा कर सकते हैं तब तो आप नाटक कर सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल है सारे। यानी नाटक तो नींव की ईंट की तरह है और फिर उस पर अलग अलग कमर्शियल वैल्यूज के जरिए इमारतें खड़ी होती है। बहरहाल हम बात कर रहे थे NSD की, तो NSD के बाद आपने फिल्मों और टीवी सीरियल्स, टीवी जो 1984 से शुरुआती दौर था और आपने पूरा सुनहरी दौर उसका देखा या यूं कहें कि उसको जिया, और बहुत से जो हिस्टोरिकल सीरियल्स है जैसे भारत एक खोज है उसका हिस्सा रहे, इसके अलावा भी बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, तो उन दिनों को कैसे याद करते हैं? वो तो सर गोल्डन डेज थे, जैसे मैं थिएटर के लिए कहता हूँ, जो भट्टी किया करते थे वो थिएटर के गोल्डन डेज थे, जो अब आना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी दौर बदल गया है। और वो जब हम वहाँ गए थे और उस वक्त जो फिल्में बना करती थी मुंबई में, वो अपने आप एक गोल्डन टाइम था, क्योंकि उस वक्त जो अपने टेलीविज़न होता था उस वक्त कहानियाँ कही जाती थी, अलग अलग तरह की कहानियाँ कही, मतलब फॉरेन की नॉवल पे भी होती थी, फॉरेन की कहानियों को लेकर के भी होती थी, और इंडियन बहुत होती थी, तमस हमारी बनी थी। आप मानेंगे तमस जो है 7 एपिसोड की कुल वो थी, और कम से कम 90 दिन उसको शूट किया था, और मैंने कम से कम उसमें आप मानेंगे नहीं 40 दिन मैं गया था उसके अंदर, और मैं शायद 3 एपिसोड में था। तो इतना ज़बरदस्त काम हुआ करता था, और तमस फिल्म पे शूट हुई थी। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आज से 100 साल तक आप उनको देख पाएंगे, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया सिनेमा पे शूट हुआ है,
तो आज से 100 साल बाद भी अगर आप उसको देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, तमस को भी आप 100 साल तक देख सकते हैं। तो ये बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं और हम खुशनसीब हैं कि हम उन प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे और उनके साथ काम किया। उसको मैं जब यहाँ नहीं रहूँगा तो मेरी बच्ची की बच्चे के बच्चे उस प्रोग्राम को मुझे देख सकते हैं। ऐसा क्या रहा कि चाहे थिएटर हो, टेलीविजन हो या फिर फिल्में, आपने हालांकि बतौर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर भी आपको अवार्ड मिला है, बट हमेशा एक कैरेक्टर आर्टिस्ट ही क्यों या सपोर्टिंग आर्टिस्ट ही क्यों, कभी दिल में मलाल नहीं रहा कि काश हीरो बनता? नहीं, मैं मुझे कभी मलाल नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं गया था तो जब मैं मुंबई काम मांगने जाता था तो मुझे लोग कहते थे तुमने अपनी शक्ल देखी है, प्रोडक्शन का काम करो, किसी को असिस्ट करो, ऐसा मतलब बहुत कहा जाता है। लेकिन सिनेमा में तो ऐसे लोग बहुत से रहे हैं, चाहे हम बात जिनमें चेहरे मोहरे पे नहीं, इन्होंने अपनी अदाकारी से ही अपना लोहा मनवाया है, चाहे हम ओम पुरी की बात करें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें, बट आपको कभी ऐसा लगा कि काश हीरो बनता? नहीं, मुझे कोई अपने ऊपर कोई वो नहीं था और न ही मुझे कोई गिला है, न ही कोई शिकवा है। मैं जिस रूट से मैं निकला हूँ, जहाँ मैं रहता था, पुरानी बस्ती में भट्टी मुझे अच्छे से जानते हैं, जहाँ हम रहते थे, जिन सिचुएशन में हम रहते थे, 9 भाई बहन थे हम, एक मतलब रात को जब सो रहे हैं तो ऐसे गुड़ खा लिया सो गए, ब्रश नहीं करना, मतलब कोई किसी को देखता नहीं था। हम जब एक बच्चा जो बड़ा होता था, जो बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को देखता था, तो मेरी तो ऐसी वो रही। तो मैंने आपसे कहा ना, मैं आज यहाँ बैठा हूँ, ये मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने की जर्नी मैंने कभी सोची भी नहीं थी, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि NSD ने हमको बहुत कॉन्फिडेंस दिया। मैंने पहली बार अमजद खान साहब के साथ पहला सिनेमा एक फिल्म मैंने उनके साथ की थी, उसमें 3-4 सीन का मेरा रोल था, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि ये अमजद खान है। इवन अमिताभ बच्चन साहब के साथ मैंने फिल्म की थी, मुझे कोई वो नहीं होता था कि मैं अमिताभ बच्चन के सामने खड़ा हूँ। वो अमिताभ बच्चन ने तो ये बात कही, मैंने एक फिल्म की थी उनकी, शाहरुख खान की फिल्म थी, उसमें मैं पहली, उसमें मैं उनका वो था डिक्शन कोऑर्डिनेटर था, क्योंकि वो फिल्म काफ़ी राजस्थानी उसमें लिखी हुई थी और वो शूट अपने सिंह साउंड में हुई थी, जो आप बोल रहे हैं वही फिल्म में छपेगा, उसमें डब नहीं होता था। तो वो जब फिल्म हमने की, उसमें बच्चन साहब भी थे, तो जब एक सीन में 2 डायलॉग मेरे थे उनके साथ, तो जब मैंने बोला तो उसके बाद उनका क्यों था, तो उन्होंने डायलॉग बोल दिया, उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे कहा कि क्या करते हैं आप, तो मैंने कहा कि मैं आपका डिक्शन कोऑर्डिनेटर हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन वैसे क्या हुआ? मैंने कहा कि मैं एक्टर हूँ, जैसे उसको ड्रामा करूँ। हाँ, तभी ऐसे नज़र पड़ती है, आप बहुत बेहतरीन बोलते हैं, एक ही बात। कॉन्फिडेंस आपको थिएटर ने ही दिया? ये थिएटर ने दिया, और मतलब यहाँ की मिट्टी ने दिया। मैं तो कहता हूँ, मैं तो यहीं के देख देख के तो हम बड़े हुए, बेसिकली जो सीखा यहीं के लोगों को देख के सीखा, भट्टी के परिवार को देखा, अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व किया, इतने सारे लोगों को देखा, देख करके जो जहन में रह गया उसका एक्सटेंशन है, जो हमारे पास था, जो हमको मिला, उसको तराशा गया। NSD हमको तराशती है, NSD एक्टर नहीं बनाती, मैं आपको बताऊँ, NSD कोई एक्टर नहीं तैयार करती, वो आपको तराशती है। एक तो इंटरनेशनल लोग बाग वहाँ आपके साथ काम करते हैं, एक से एक बेहतरीन लोग आपको ट्रेन करने के लिए आते हैं, आप में क्या कमी है वो आपको वहाँ पे जब आप जाते हैं तो सारी कमियाँ आपकी वो ख़त्म कर देते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हमारे सिसली बैरी हुआ करती थी, तो जब हम क्लास में 40 लोग थे NSD में, तो 40 में से किसी को भी स्टेज पे कैसे हंसा जाता है वो नहीं आता था, किसी को भी नहीं आता था, आप बिलीव करेंगे। तो सिसली बैरी ने हमारे साथ 40 दिन वर्कशॉप किया, और आप मानेंगे नहीं, 40 के 40 हम लोग, क्या टेक्निक होती है स्टेज पे हंसने की, उस लेडी ने हमको सिखाया। तो सीखने को बहुत होता है जो आप नहीं जानते हैं, और ये सबसे बड़ी हमारी दिक्कत यही है कि कोई एक्टर अगर चलता है, करता है, एमेच्योर अगर एक्टर करता है, तो एमेच्योर एक्टर एक लेवल के बाद जाकर रुक जाता है, वो ये कहता है बस ये हो गया,
ये अल्टीमेट है, इससे आगे नहीं मैं जो कर रहा हूँ बेस्ट है। तो 86 में आपकी शुरुआत हुई, और कब आपको लगा, कितने सालों बाद या कितने प्रोजेक्ट्स करने के बाद कि अब आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, लोग आपके काम को पहचान रहे हैं या नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं आपके कैरेक्टर को? नहीं, मेरे को जब मैंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो, और उसमें मैंने काफ़ी सारे पार्ट किए थे, बहुत मतलब आप इसको दुर्भाग्य समझिए मेरा ही कि मैं राजस्थानी एक्टर हूँ, राजस्थानी भाषा बोलता हूँ, लेकिन मुझे राजस्थानी फिल्मों में बोलने के लिए राजस्थानी एक्टर की तरह से कभी कोई काम नहीं मिला, ये कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन उसमें मैंने काफ़ी सारे राजस्थानी पार्ट किए थे, राणा सांगा किया था मैंने, पृथ्वीराज चौहान किया था, बहुत सारे ऐसे पार्ट मैंने उसमें किए थे, तो वो जो टाइम था। लेकिन मैं आपको बताऊँ साले, हमारे को हमारी आर्ट को ट्रेन करने वाले लोग थे, हम जिनके साथ काम करते थे, जैसे गोविंद नेलानी हो गए, श्याम बेनेगल हो गए, गुलजार हो गए, ये सारे लोग आपको ट्रेन भी करते रहते हैं, आपकी बॉडी पे काम करेंगे, आपके डिक्शन पे काम करेंगे। मैंने गुलजार साहब के साथ अभी 5-6 साल पहले प्रेमचंद की कहानियाँ की थी, तो मुझे पता चला मेरे अंदर ये चीज़ अभी भी नहीं है जो उन्होंने पॉइंट आउट की। तो ये जो लोग काम करते हैं आपके साथ, वो ये देख के करते हैं कि हम इससे कितना मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं। आप देखें निर्मला उस पर है, आप कब कभी मौका लगे तो आप देखिए कितना बेहतरीन उन्होंने प्रेमचंद को निकाला है उसके अंदर। क्रिएटिव फील्ड की हम बात कर रहे हैं, और एक्टिंग अदाकारी भी एक कला है, फन है, और 36 ईयर्स का स्पैन आपका प्रोफेशनली अब तक रहा है, आपको ये लगता है कि अभी भी आप लाइफ लॉन्ग लर्नर ही बने रहेंगे? नहीं, लर्निंग तो देखिए कभी ख़त्म नहीं होती। मैंने एक NH10 फिल्म की थी, मेरे ख्याल 2014-15 में आई थी, तो उसमें ये था कि वहाँ पर ये अभी चलन है कि कास्ट के साथ एक वर्कशॉप होता है पहले, मतलब ये अभी 99% होता है, वहाँ पर 7 दिन का होता है, 10 दिन का होता है, तो वहाँ पे हमको कहा कि ये 10 दिन का वर्क 15 दिन का वर्कशॉप है दिल्ली में, आपको जाके करना है। तो मेरे लिए ऑप्शन था कि भाई आप चाहो तो आप मत करो, आपको ज़रूरत नहीं है, पेड वर्कशॉप था, तो एक बन गया पेड वर्कशॉप, वो कह रहा मत करो मत जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं अपन अपने को जाना चाहिए, तो मैं वहाँ गया, 15 दिन मैंने वर्कशॉप की, बहुत सीखने को मिला। ऐसे भानु भारती ने अभी मेरे ख्याल 15-16 में अंधायुग किया था और तुगलक किया था, बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने किया था, 4-5 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था एक, तो वो उस वक्त भी उन्होंने वर्कशॉप कंडक्ट की थी। तो ये तो सीखना तो अगर आप चाहें तो पूरा जीवन आपके लिए कम है, आप सीखते ही जाएं। अभी आपने जिक्र किया था कि कलाकार के लिए लगातार काम मिलना बहुत ज़रूरी है, और अभी पेंडेमिक टाइम ऐसा रहा जब बहुत से लोगों ने अपने जो भी उनकी मूल रूप से कला थी उसे छोड़कर उन्होंने स्विच ओवर कर लिया, तो आपको कभी ऐसा 36 ईयर्स में, आपने कहा कि एक बार 9 महीने आपके पास काम नहीं था, तो कभी ऐसा मानस बनाया कि बोरिया बिस्तर समेट कर जयपुर आ जाए? बिल्कुल, पैंडमिक के वक्त मुझे बिल्कुल ये महसूस हुआ था, क्योंकि अगर आप साल भर काम नहीं करते हैं तो एक तो आपको ये पता नहीं चलता है, जब आप कैमरे के सामने, बेसिकली जब कैमरे के सामने जाते हैं तो आप जब जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप ये कर पाएंगे क्या, रेट मैं आपको बताता हूँ, और एज भी आपके साथ जाती है, जब आप 60 के हो जाते हैं और 30 के रहते हैं, 60 जब उस वक्त में था तो बहुत छोटा था, 25-26 साल का रहा हूँगा, तो उस वक्त वो दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज दिक्कत होती है। जब पैंडमिक का वक्त आया तब मुझे लगा भी, मैंने अपनी पत्नी से कहा भी, यार मैंने कहा मुझे लगता है कि अभी सैन ऑफ आई थिंक नवाश वो कम टू जयपुर एंड वर्क फ्रॉम देयर, जो भी मैं कर सकता हूँ, थिएटर करते हैं या कोई और काम कर सकते हैं, तो ये डेफिनेटली आता है, आया था जहन में, लेकिन ये है कि डेस्टिनी ऐसी थी कि फिर वो काम चालू हो गया, फिर 1, 2, 3, 4, 5 फिल्में आपने कर ली, फिर लगता है सब ठीक है। बहरहाल हम भी यही चाहेंगे और हमारे तमाम ऑडियंस भी यही चाहेंगे कि आप ताम्री में ही काम करते रहें, लेकिन आप ये बताइए कि आज का जो थिएटर का सिनेरियो है, स्पेशली अगर हम जयपुर के रेफरेंस में बात करें, तो क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि टटोली जानी चाहिए? सिस्टम टटोला जाना चाहिए, सिस्टम नहीं है बिल्कुल। मैं आपको अपनी बताता हूँ, 2 प्लेज मैंने किए और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने क्यों किए, क्योंकि हम आज भी अगर हम करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि क्योंकि हमने तो जो सिस्टम सीखा है, हम तो वही सिस्टम सामने वाले पे या जो भी अपने हमारे कलाकार होते हैं उनके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं,
भट जी इतने बड़े गुणी हैं तो इनके इनसे अगर कोई सीखना चाहता है तो भट जी का सिस्टम उनको सीखना पड़ेगा, मतलब अपना सिस्टम ला करके आप भट जी पे थोड़ी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो सिस्टम नहीं है, तो अगर बिना सिस्टम के मुझे लगता है कि कोई भी क्रिएटिव काम तो आपको क्या लगता है कि इतनी सारी कलाएं हैं कैसे ये क्रिएटिव फील्ड ऑर्गेनाइज होना चाहिए, आपकी क्या सोच है? नहीं, मेरी सोच ये है कि मतलब पहले दौर को आप एक बार रिपीट करने की कोशिश कर लेना। आप मुझे बताइए, पहले जो है प्ले रिव्यू हुआ करते थे, जगह थी, आप मतलब आता था सर्वेश जी से, मैं निवेदन करी हूँ आप इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कि आते थे देखते थे आपने क्या किया है, अगले दिन छपता था और उससे आपको कितना ग्रो करने का मौका लगता है जी। आज आप कुछ समीक्षा नहीं है, समीक्षा है ही नहीं जी। समीक्षा नहीं है तो सामने वाले को लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट है ना, क्योंकि अब ये हो गया जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मुझे बताइए आप। अगर आप कहीं बैठ करके आज यहाँ 30 लोग आप बैठे हैं तो आपको बीच में रोककर ये जरूर सवाल करना चाहूंगी कि हम अगर अपने मीडिया का सिनेरियो देखें तो क्या क्या वजह रही है कि एक कलाकार चाहे वो किसी भी विधा का हो अपने आप को अभी तक एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल की तरह एस्टैब्लिश नहीं कर पाया? हमारे न्यूज़पेपर्स हो या चैनल्स हो वो सब पॉलिटिकली इतने अफिलिएटेड हैं इन चीज़ों से कि वही छाए रहते हैं, कलाकार कभी भी एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल क्यों नहीं कर पाता बन पाता, या वो कभी हेडलाइंस क्यों बटोर नहीं पाता? नहीं, हेडलाइन बटोरते थे, आज नहीं बटोर, आज क्यों नहीं कर पाया, नहीं बटोर पा रहा। मैंने आपको बताया ना, बहुत आप एक तो लर्निंग का बिल्कुल ख़त्म हो गया, आप किसी के एक्सपीरियंस को काउंट ही नहीं करते। अब मैं भट्टी से कह दूं क्या, नहीं भट्टी आपका क्या अनुभव है यार, आपने क्या किया है? मैंने किया है, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ? अगर मैं कहता हूँ तो मुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, आज ऐसा होता है। सही, लोग ये कहते हैं कि मैं अपनी कहता हूँ, मैंने प्ले किया था वहाँ से, मैंने तमाशा शैली में एक नाटक किया था, भिक्षावाजी पूरी करा और हमने पूना से वो डांसर बुलाए थे, शिवदास घोड़के हैं, मेरे NSD के ग्रेजुएट हैं, बहुत बड़े तमाशा के गुणी हैं, उन्हें दर्जनों मतलब सैकड़ों उन्होंने तमाशा में प्ले किए हैं मराठी में, उनको मैंने यहाँ डायरेक्ट करने के लिए बुलाया था। आप मानेंगे यहाँ के जो जितने भी और यहाँ के जितने दिग्गज थे उस नाटक में थे, तो उनसे मैंने कहा यार, मैंने कहा किस दिन बैठ के घोड़के से ज़रा ये जानो कि ये तमाशा विधा क्या है, कैसे इसको इसमें कैसे ये जन्मी, क्या हुआ, इसके बारे में ज़रा चर्चा करो। तो कहते हैं अरे क्या ऐसे बहुत आते हैं सर, क्या है? तो अगर हम अगर हम किसी कलाकार की किसी एक्सपर्ट के बारे में ये राय रखेंगे तो हम जहाँ हैं वहाँ रहेंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप ये देखिए उससे बहुतों का नुकसान होता है, उससे उस जनरेशन का नुकसान होता है जो वाकई थिएटर करना चाहती है। मैं कोई इस तरह का काम करूँगा तो मतलब क्या एग्जाम्पल हम सेट करेंगे, हमको एग्जाम्पल सेट करना है। अगर मुझे 20 साल नाटक करते हुए हो गए तो मुझे एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ताकि लोग ये कहें नहीं यार वो देखो यार वो रवि झांकल करता है, वो अच्छा थिएटर करता है। अगर हम अपने इतने एक्सपीरियंस के बाद कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करें तो हमारा नाटक करने का या नाटक के विधा में रहने का या सिनेमा में रहने का क्या मतलब? लोग मुझे बहुत कहते हैं कि आपने इतना काम किया है, इतने दर्जनों आपने सैकड़ों फिल्में कर ली, आपने इतना हज़ारों आपने टेलीविजन के एपिसोड किए, आप यहाँ बच्चों को क्यों नहीं फिल्म की एक्टिंग सिखाते हैं? तो मैंने कहा ये चाहे आप थिएटर की एक्टिंग करें या सिनेमा की एक्टिंग करें, उसके लिए उसका एक प्रोसेस, उस प्रोसेस के थ्रू ही आप कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उठाया आपने 3 महीने का एक वर्कशॉप किया, अपने 2-4 लाख रुपए बटोरे गए बॉम्बे, तो वो क्योंकि आप जयपुर की परिधि से निकल कर मुंबई किसी तलाश में, पहचान की काम की तलाश में गए थे, तो क्या ढूंढा और क्या पाया और क्या खोया? मैंने बहुत कुछ पाया। आज मेरे एक खूबसूरत बीवी है मेरी और बहुत क्रिएटिव पत्नी है, मेरे पास मुंबई के अंदर 2 घर हैं, 1 घर मैंने यहाँ बनाया, मैंने जीवन में सिक्योरिटी पाई। आज अगर मैं मेरी आप बिल्कुल सादगोई से मानते हैं कि कलाकार के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी सुप्रीम इम्पोर्टेंस, बहुत इम्पोर्टेंट। आज कलाकार सोचता है, हम लोग उस वक्त नहीं सोचते हैं। मैं आज इतने बड़े गुणी लोग बैठे, मैं आपको कह रहा हूँ मेरे पास मैंने जीवन में कोई इंश्योरेंस ही नहीं करवाया। बहुत किसी ने मार मूर के मुझे कोई एक इंश्योरेंस मेरा करवा दिया था, तो उससे कुछ मुझे 25-30 लाख रुपया कुछ
मिला है, अदब मेरे पास वही है, लेकिन मुझे उसकी यूँ चिंता नहीं है कि मेरे पास जो भी आज की तारीख में अगर जितना भी मेरे पास है अगर मैं उसको सबको लगा के और कहीं सबको बेचबाज कर बैठ जाऊँ तो मेरे पास 10-12 करोड़ रुपए की संपत्ति है, तो मुझे वो इनसिक्योरिटी नहीं है। लेकिन मेरी इनसिक्योरिटी ये है कि मैंने जो सीखा है अगर मैं अपने शहर में उसको बांटना चाहूँ तो मेरा सम्मान हो, मेरा भी सम्मान हो, कला का, अगर मेरा सम्मान होगा तो कला का सम्मान होगा जी। लेकिन सम्मान का प्रश्न है। आज ऑडियंस पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी कामयाबी का हिस्सेदार भी रहे हैं, हक भी जता सकते हैं और उन्होंने आपको तराशा है, तो वही आपसे कुछ सवाल भी करना चाहेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे आदरणीय वासुदेव जी आप ही अपनी बात रखें। रवि में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, बड़ा जबरदस्त एक्टर है, बड़ा काम करने वाला, सिंसियर आदमी है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मेरे छोटे भाई रवि झागल से, मैं यूनिवर्सिटी की याद दिलाना चाहता हूँ जयपुर के, अगर वो माने उसकी मर्जी है। एक गाना था जो इन्होंने खुद ने ही जो है उसको लिखा और खुद गाया और वो गाना परफॉर्म करके गाया था, उसको आज भी हम याद करते हैं, अगर उसकी इच्छा हो तो सुनाते हुए वो है और कुछ इस तरह की चीज थी वो, मुझे आज तक याद है, अगर थोड़ा सा कर दे तो बड़ी अच्छा लगेगा मेरे को बहुत। मेरे गुरुदेव का आदेश है जिनका आदेश मैं टालूंगा कैसे, उसकी इसकी थोड़ी सी आपको भूमिका मुझे बतानी पड़ेगी तब आप उसको थोड़ा एंजॉय करोगे। भाई साहब बैठे हैं, इनसे बेहतरीन कोई चीज़ लिख नहीं सकता, कोई कंपोज नहीं कर सकता, आपका आशीर्वाद देते हुए। एक एक सर एक फिल्म थी, एक गाना था कि तू छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ, मेरे बिन फीका फीका है दिल का जहाँ छिपी है कहाँ। उसमें वैसा एक शहनाई बजती है, तो ये मुझे रहन में मेरे लगी रही। तो उसमें मैंने चौगान था हमारा वहाँ पे पुरानी बस्ती में, तो मैं एक बार वहाँ से आके आ रहा था उस तरफ से, तो मैंने देखा एक बंदा एक नीचे खड़ा हुआ है शराब की बॉटल उसके हाथ में और बीवी उसकी फर्स्ट फ्लोर पे है और वो उसको बोल रहा है, अरे आटो खोल, देख मैं नीचे खड़े हो, अरे खोल दे यार मार से गड़बड़ होगी, अरे आबाते रात होगी। तो ये मेरे जहन में सर बैठी है बात, तो मैंने उसमें उसको मतलब उस वक्त बड़ा सा पता नहीं कैसे दिमाग चलता था, आप मानेंगे नहीं, मैंने कम से कम युवानी में सैकड़ों मोनो एक्टिंग के वो मैंने किए थे, भाई साहब तो जानते हैं, और इतने ज़्यादा किए थे कि जब मैं एनएसडी में चला गया तो वो प्ले किए जाते थे, फिर मुझे बड़ा एम्बेरेसिंग लगता था, तो मैंने एक बार युवानी में जाके कहा कि मेरा अच्छा मेरे प्रोग्राम आप बंद करो, मैं थोड़ा सा गंभीर अभिनेता हो गया हूँ, तो मैंने जाके रिक्वेस्ट की थी। तो ऐसे कुछ था, मैं आपको करके बताता हूँ, गा के बताता हूँ। तो वो कह रहा है, री आय बोरी आडो खोल बोरी तेरा पैरू खड़ा है तू रे पे हाथ में दारू की बोतल लिए खड़ा है, जरा आडो तो खोल अपने भैरू से बोल माफ कर दे भोरी भोरी रथा की बाण की बोली आडो खोल भोरी। क्या बात है,
आपने जो मोनो एक्टिंग का सिलसिला अपने स्कूल टाइम में शुरू किया, तो आपने फोन पे बताया कि मैं कई शादियों में एक बतौर गायक भी चला जाता था कि बढ़िया खाना और बढ़िया अच्छे से कपड़े पहन के, तो बढ़िया खाना तो जरूर मिलेगा वहाँ। तो यही मेरे शुरुआती दिन रहे। आप ही का शहर है, आप ही के लोग हैं, अपनों के बीच आप हैं और अपनों के ही सवालों का आप सामना कीजिए। तो ऑडियंस में से जो भी जो पूछना चाहे। जी अमृता जी, मैं देखिए हर कलाकार अपनी विधा में माहिर होता ही है, कोई शक नहीं। और हम लोग दूसरे कलाकार को देखते हैं, उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि आपके अनुभव से आपने कुछ ऐसा आपको महसूस हुआ कि ये दो चीज़ मेरे में नहीं थी जो मुझे गुलजार साहब ने बता दी। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। ये बहुत ही आपने इतनी सहजता से आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में यहाँ पे आपने प्रकाश डाला। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो इनोसेंस है वो दिखाई दिया। हम लोग थोड़ा सा छद्म दुनिया में रहते हैं, माफ़ कीजिएगा, और कुछ बातें छुपा लेते हैं, ड्यूअल पर्सनैलिटी जैसी हो जाती है। लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सनैलिटी का कहीं कोई सवाल ही नहीं, आप जो हैं वो हैं। आपने इतनी साफ कोई से सारी बातें बताई हैं, आपने यहाँ तक कि अपना बैंक बैलेंस तक बता दिया जो मतलब एक जो शायद ही मैंने कभी जिंदगी में किसी से सुना हो कि मेरे पास में इतना बैंक बैलेंस है। उसमें भी आपने अपनी सहजता, आपकी विनम्रता दिखाई, और आपने जिस सहजता से और जिस सच्चाई से आपने जवाब दिया उसके हम सब कायल हैं आपके, और आपके बहुत ही मतलब शुभ चिंतक हैं हम सब लोग। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि जयपुर से अच्छे अच्छे नाम हुए, एक इरफान खान का नाम बहुत सुना हमने कि बहुत बहुत अच्छा, और वास्तव में बहुत अच्छे एक्टर थे। असरानी जी भी, उन्होंने भी काफ़ी है, खैर ये तो है ही। लेकिन इनके अलावा जो सुपर हीरो हैं जिनके साथ ग्लैमर जुड़ा हुआ है और करोड़ों अरबों की उनकी कमाई है, क्या उनको आप कला के तराजू में तोलते हैं तो आपको क्या महसूस होता है कि ये इसको एक्टिंग आती है या इसको नहीं आती है या इसको आती है? आपके हिसाब से बेस्ट एक्टर जो ग्लैमर में भी है और जिसको एक्टिंग का भी नॉलेज है वो कौन है, उसका नाम बताइए। बड़ा मुश्किल सवाल है भाई साहब आपका। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है भाई साहब। ये जितने भी हमारे सुपरस्टार हैं वो एक तरह का काम करते आए हैं और उसी से वो जाने जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जितने भी बड़े लोग हैं, सलमान खान हो गए, ऋतिक रोशन हो गए, शाहरुख खान हो गए, बच्चन साहब हो गए, ये कलाकारों के लिए बहुत बड़े मददगार हैं। अभी ये कोविड में करोड़ों रुपया जो है इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, और जितने भी हम 30-40 हज़ार आर्टिस्ट हैं वहाँ मुंबई में, 2 महीने किसी ने संभाला, 1 महीने किसी ने संभाला, 3 महीने किसी ने संभाला, तो इस तरह का उनके बारे में ये तो मतलब, क्योंकि मैं जो हमारी सिंटा ऑर्गेनाइजेशन है बॉलीवुड की, मैं उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेम्बर भी हूँ, तो मुझे मालूम है किस तरह से लोगों ने मदद की है। लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। उसका एक बहुत लेटेस्ट उदाहरण अभी जो हमारी ये पिक्चर आई अपने पृथ्वीराज चौहान आई, मैंने अभी मैं यहाँ आया उससे 2 दिन पहले ही, चंद्रप्रकाश मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैंने बहुत काम किया उनके साथ, तो मैं उसमें नहीं था, वो एक अलग विषय है। लेकिन वो फिल्म नहीं चली। अगर मैं एक कलाकार की तरह से उसको देखूँ तो मैं ये कहता हूँ कि उसमें अक्षय कुमार शायद फिट नहीं थे। लेकिन कई बार ये जो आपका सोच है आपकी, अक्षय कुमार को हमने ले लिया तो ये काम हो जाएगा, ऐसा होता नहीं। ये चीज़ मतलब प्रूफ हुई उसके अंदर। लेकिन वो क्यों नहीं चली, ये
एक अलग विषय है, हो सकता है पॉलिटिकल कोई मामला हो, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। एक तरह के काम करने में दिक्कत नहीं होती। सलमान खान एक तरह का काम करते हैं, उनको ऑडियंस मिलती है, उनकी ऑडियंस है, पसंद करती है, लेकिन एक धीरे धीरे सैचुरेशन सा आता है। आर्ट है उनमें, आर्ट का विषय तो बड़ा 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 मुश्किल है ये कहना कि आर्ट है या नहीं, क्योंकि भाई साहब इरफान जैसा हर वो नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, जैसा इरफान था, नसीर हैं जैसे जी। उनके जो रोमपुरी थे, हाँ, तो वैसे तो मतलब हर एक नहीं हो सकते, लेकिन ओमपुरी साहब सुपरस्टार भी नहीं थे जी। वो बहुत बड़े एक्टर थे एक्चुअली। अब आपको तय करना है कि आपको सुपरस्टार बनना है या बड़ा एक्टर बनना है या एक्टर बनना है। हमने ये तय किया, हमको अभिनेता बनना है, हमको इस कला को इस विधा के साथ जीना है, और हम जब तक जिए हम इसी कला के साथ जिए। क्या बात, मेरा इतना ही वो है भाई रवि जी। मैंने पैसे गिनवाए, मैंने इसलिए गिनवाए कि मैं अगर रिटायर हो जाऊं तो मेरे पास खाने की दिक्कत नहीं है। भाई रवि, सवाल तो नहीं पूछे जाने चाहिए क्योंकि आप तो हमारे अपने हैं, आपके क्या सवाल किया जाए, लेकिन आपकी इस यात्रा को सुनकर के, आपके इस अनुभव को सुनकर के, आपके इस अपनेपन को सुनकर के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सपने देखना बहुत ज़रूरी है, वो आपने भी सपने देखे थे मेरी नज़र में। तो आपने अभी भी एक शब्द का इस्तेमाल किया, युवाणी का, जो आकाशवाणी का अपना एक कार्यक्रम है, और उससे आप बहुत ज़्यादा जुड़े रहे हैं मेरी नज़र में, अभी तक वही रवि घूम रहे हैं। और आपने जो सपना देखा उसमें ये कहना चाहता हूँ कि मंजिलों तक ये लेके जाते हैं, मंजिलों तक ये लेके जाते हैं, कितनी ऊँची उड़ान है इनकी, वो सपने बाजार में नहीं बिकते, दिल के अंदर दुकान है उनकी। तो ये जो सपने आपके दिल के अंदर बैठे हैं, आप तो हमारे अपने ही हैं, आप तो सबको मालूम है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप जो आज बोल रहे हैं, आज जो आप अपना डिक्शन, अपनी स्पीच, अपना मॉड्यूलेशन, अपने पिच, इस पे जो बात कर रहे हैं, इसमें आकाशवाणी की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और उसको आप किस हद तक देखते हैं, और फिल्मों में या थिएटर में या मुंबई में जाकर के ये आकाशवाणी आपके लिए कहाँ तक कामयाबी के लिए सफल सिद्ध हुई है, इस पर जरा सा बताएं आप। भाई साहब, आकाशवाणी का मैं आपको बहुत वो बताता हूँ, मैं हर वीक रिकॉर्डिंग करता था वहाँ, कई बार तो वीक में दो बार भी करता था। उस वक्त मुझे 25 रुपये मिलते थे सर, और वो दौर ये था जब मेरा NSD में एडमिशन हो गया था, और मैं उस 25 रुपये को, क्योंकि एक बार जब मैं गया तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ NSD, जब मैं गया तो मैं फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा हुआ नहीं, सेकेंड अटैम्प्ट मैंने तय किया कि मेरा होना ही चाहिए। फिर मैंने आकाशवाणी में प्रोग्राम ज़्यादा करना शुरू कर दिए, मदन जी को कहता भाई साहब मुझे ज़रा आपसे कहता भाई साहब वीक में दो बार बुला लो। तो वहाँ से मैंने 700 रुपये इकट्ठे किए थे एक साल में, और 300 रुपये दोस्तों ने मुझे दिए, ऐसे मेरे पास 1000 रुपये इकट्ठे हुए थे, 400-700 रुपये मेरी बहन ने जब मैं दिल्ली गया तब दिए। तो आकाशवाणी का मेरा बहुत बड़ा वो है, और भाई साहब आज आप कहते हैं कि जो मोनोएक्टिंग होती है आसान काम नहीं है भाई साहब, हम उस वक्त कर लेते थे और वो हो जाता था, लेकिन आज आप मुझे कहें कि आप मोनोएक्टिंग करके दे दो, वो आसान नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिस की चीज़ है सर। तो आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है, मैं आकाशवाणी के साथ जुड़ा हूँ, अभी 3 महीने पहले मैं वहाँ मुंबई में करके आया हूँ। असरानी जी भी हमारे वो बच्चों के प्रोग्राम में चौंच के नाम से करते थे। नहीं, मुझे तो वो भी ज़माना याद है जब इंडियन कॉफ़ी हाउस था MI रोड पर, तो उसमें मैं तो छोटा ही था बहुत, लेकिन मैं ऑब्जर्व ज़रूर करता था। एक कॉर्नर ऐसा था जिसमें पिंचू कपूर जी, जी, मोहन महर्षि जी, सुधा शिवपुरी, ओम शिवपुरी, और ये अपने भानु भारती जी तो बाद में आए, अपने भारत रत्न भार्गव जी, और काफ़ी सीनियर लोग एक वहाँ पे उनका गॉसिप कॉर्नर हुआ करता था, वो घंटों कॉफ़ी के चुस्कियाँ लेते रहते थे और अपना डिस्कस करते रहते थे। तो मैं ये देखता हूँ कि जयपुर में मतलब ऐसी ऐसी जगह से लोग निकले हैं, कहाँ कहाँ से लोग, कहाँ नाम किया है पता, तो बड़ा फख्र होता है जब आप जैसे लोग बॉलीवुड में पहुंच गए और सब नाम किया, और हमारे सभी लोगों ने। तो मैं सर्वेश जी को वो कुछ कोई पीछे
अभी भट्ट साहब ने आपसे सवाल किया हीरो और एक्टर के लिए, तो मैं इसमें कहना चाहूंगा एन एक्टर कैन बी अ हीरो बट हीरो कैन नॉट बी एन एक्टर, एक तो ये। और आपकी जो सहजता और सरलता की जो बात करी उसको मैं दो लाइन में कहना चाहूंगा। बाबा तुलसीदास कह रहे हैं, सूधी वचन सूधी कर्म सूधी सब करतू रघुवर सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूद। तो आपकी सारी सहजता सरलता जो है वही प्रभु को प्यारी होती है, इतने आप आगे पहुंचे तो आपकी सरलता सहजता और साहब को ही कहना है। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और जितना महत्वपूर्ण हमारा रेस्टोरेंट फोरम है उतने ही महत्वपूर्ण हमारे प्रबुद्ध दर्शक हैं जो कि शो में आते हैं। और ऐसे दर्शक आते हैं, ऐसे श्रोता आते हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग हैं, वो यहाँ पर आते हैं। इसमें है कि दर्शक वर्ग भी रेस्टोरेंट फोरम का ही एक पार्ट है और हर बार नए प्रबुद्ध लोग इससे जुड़ते हैं। और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो व्हाट्सएप पर अपना खेल भी प्रकट करते हैं। आज आपके लिए दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी ने भेजा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी बड़ी इच्छा रहेगी और मैं शो को मिस करूंगा। आपके लिए एला अरुण जी ने मैसेज भेजा है बधाई का, मेरे को सर्वेश रवि को मेरा मेरी तरफ से बधाई होगी। तो इस तरह के लोग हैं। एक सेंटेंस जी, एक सेंटेंस जी। मैं कोई प्रबुद्ध नहीं, मैं कोई कलाकार नहीं, पर मैं आप सब लोगों की बहुत बड़ी बड़ी फैन हूँ दिल से। तो आज जब रवि झांकल जी का मेरे को ये मैसेज आया तो मैं वैसे ही खुश थी जब मैं यूनिवर्सिटी में आप मोनो एक्टिंग करते थे और मैं खुद खुद के तालियां बजाती थी, आज भी मैं वैसे ही खुश हूँ। तो एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, मतलब आप इतने बड़े गुणी लोग बैठे हुए, मतलब मैं तो सही कहूँ तो मतलब अजीब सी बात होगी, मैं आपके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे आप सबसे ऊपर रखा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही गुरुजनों की मैसेज बातचीत का सिलसिला चल रहा है, शायद रात को 12 भी बज जाए, लेकिन समय की प्रतिबद्धता हमने राजस्थान फोरम की टैगलाइन बनाई है। हम समय का बहुत कड़ाई से पालन करते हैं और यही हमारी पहचान है। और यही वजह है कि अगर हम 5:30 का टाइम देता है तो हमारे प्रबुद्ध लोग 5:28 तक यहाँ आकर सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि इतने प्रबुद्ध लोग हैं कि एक एक का नाम लूँगा तो शायद काफ़ी समय हो जाएगा। वासुदेव भट्ट साहब भी यहाँ मौजूद हैं जिसको भी रवि ठाकुर साहब अपना गुरु मानते हैं। ये बात मेरे को इनके इंटरव्यू में पहली बार पता लगी, जब मैं टीवी के लिए इनका इंटरव्यू कर रहा था तब उन्होंने बताया कि मैं वासुदेव जी से बने अभिनय के गुरु जी हैं। नौकर का रोल किया और अगले दिन ब्रीफकेस लेके वो नाटक गुरु बन गया। मैं एक छोटा सा वाकया बताना चाहता हूँ। जी जी, हम एक फैसला नाटक किया करते थे और रिहर्सल हमारी चांदनी में करते थे जी। रवि छोटा सा था, कम से कम 8-9-10 साल का, 9 साल 10 साल नाटक के हम रिहर्सल करते थे। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि रवि जो है वो योगी अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर सारे रोल नाटक के जो है ना खट खट बोल के सुना था। हमारे सभापति महोदय आदरणीय पंडित कृष्ण भट्ट साहब से निवेदन करूंगा कि रवि झांकल साहब को एक स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करें। और इसके बाद मैं राजस्थान फोरम के यहाँ सभी उपस्थित सदस्यों से भी आग्रह करूँगा कि वो एक ग्रुप फोटो के लिए यहाँ पर आए। नंद भारद्वाज जी, राम किशोर जी, संजय कौशिक जी, मधुभट जी, आइए आप चाकिर साहब।